जय गुरु। सत्संग उपयोजना केंद्र के संबंध में पूज्यपाद बाबाईदा प्रदत्त निर्देशिका के बारे में जानेंगे। जिन क्षेत्रों में दीक्षितों की समष्टि है वहाँ इष्टवृत्ति संग्रह केंद्र की स्थापना की जा सकती है, जिसका नामकरण आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा ने किया है। सत्संग उपयोजना केंद्र प्रतिष्ठित केंद्र मंदिर व स्थानीय कर्मियों के साथ संपर्क रखकर ही उपयोजना केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनके समस्त कार्यक्रम उन केंद्र मंदिरों के देखरेख में ही की जाए। यह केंद्र किसी निर्भरशील इष्ट भ्राता के घर, दुकान या दफ्तर में भी स्थापित की जा सकती है। संभवतः वो इष्ट भ्राता स्वस्थिनीधारी हो तो ही अच्छा है। इष्टवृत्ति सह कोई भी इष्टार्घ्य मनुष्य का इष्ट सेवार्थ अप्रत्याशी स्वतः स्वेच्छा अवदान होता है, इसलिए उपयोजना केंद्रों में इष्टवृत्ति अर्घ्यादि लेते समय स्वतः स्वेच्छा के निर्देशन स्वरूप प्रत्येक बार हर एक अर्घ्यदाता का हस्ताक्षर लेना वांछनीय है। प्रत्येक का नाम, पता एवं फोन नंबर भी एक रजिस्टर में जत्न पूर्वक रखना आवश्यक है। इष्टवृत्ति के साथ यदि कोई स्वतः स्वेच्छ रूप से किसी केंद्र मंदिर के अकाउंट में अर्घ्य देना चाहे तो इन अर्घ्यदाता के पैन कार्ड का जेरक्स संग्रह करें। फिलैंथ्रोपी में यदि वो जेरक्स जमा ना हो तो केंद्र मंदिर के अकाउंट में अर्घ्य जमा लेना असंभव है। उपयोजना केंद्रों में संग्रह किया गया अर्घ्य निकटस्थ केंद्र या मंदिर में जमा करना होगी, वहाँ से ही विधिपूर्वक वो अर्घ्य फिलैंथ्रोपी में जमा किया जाएगा। प्रतिमाह इष्टवृत्ति जमा करने समय पूर्व माह की अर्घ्य प्रस्तुति उपयोजना केंद्र से हाथों हाथ दे देना पड़ेगा। उपयोजना केंद्र के अंतर्गत क्षेत्रों में दीक्षितों की संख्या एवं नियमित इष्टवृत्ति करने वो तीसवें दिन उसे जमा करने वाले की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की प्रचेष्टा करनी होगी। उपयोजना केंद्रों में उस क्षेत्र के समस्त सह प्रतिनिधिक अध्वर्जु जाजक कर्मियों का फोन नंबर रखना आवश्यक है। जिनके पास मोटरसाइकिल है वे सभी मिलकर एक मोटरसाइकिल वाहिनी गठन कर 5-6 लोगों का दल बनाकर गांव-गांव टहलें। वहां के सत्संग कार्यक्रम यथा दीक्षा, जाजन, ठाकुर के आसन की सजावट, भजन कीर्तन इत्यादि में सहयोग करें। उपयोजना केंद्र जहाँ पर है वहाँ प्रतिमाह अंततः एक सत्संग एवं एक मातृ सम्मेलन का आयोजन करना उचित है। जहाँ सत्संग होगा वहाँ किसी ऋतिक या कर्मी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जिन जगहों पर सत्संग होगा वहाँ कर्मीगण वक्तृता दे सकते हैं, पर स्थानीय गुरु भाइयों को ठाकुर संबंधी कुछ कहने के लिए प्रेरित करने से वो भी उद्बुद्ध होंगे। उपयोजना केंद्र के निकटस्थ क्षेत्रों में मातृ सम्मेलन करने वाली माताएं भी दल का गठन करें। उन माताओं के दल को किसी गाड़ी, ऑटो या अन्य किसी वाहन की व्यवस्था कर दायित्व सहित उन जगहों पर ले जाया जाए जहां माताओं को एकत्रित किया जा सके
वे माताएं स्थानीय माताओं को मातृ सम्मेलन करने के लिए उद्बुद्ध करेंगे तथा निजी जीवन में नारी नीति का पालन एवं जीवन को ठाकुरमय बनाकर चलने के प्रेरणा देगी। गुरु भाई वो माताएं इसी तरह सभी जगहों में जाकर लोगों को उद्बुद्ध करें कि जिस प्रकार पौधों को बढ़ने के लिए एक लकड़ी के सहारे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ही लोगों के जीवन में जजन जाजन इष्टवृत्ति परायण होना अनिवार्य है। माताएं अपने सांसारिक कामकाज के बाद किसी एक अधिकृत के घर में जाकर ठाकुर के विषय में चर्चा कर सकती हैं। यदि वो परिवार आग्रही दिखे तो फिर स्थानीय इष्ट भ्राताओं को उस घर में जाजन के लिए भेजें। इसी प्रक्रिया से यदि वो परिवार दीक्षा ग्रहण करना चाहे तो किसी ऋतिक को सूचित कर दीक्षा का प्रबंध किया जाए। किसी विशेष स्थिति में जब केंद्र मंदिरों को अधिक संख्या में दीक्षा के आयोजन का आशीर्वाद प्राप्त हो तो संयुक्त उपयोजना केंद्रों को उनके क्षमता अनुसार दायित्व देना तथा इसी कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु प्रेरित करना उचित है। उपयोजना केंद्र के कुछ सहयोगी कार्य। अंचल के सभी अच्छे डॉक्टरों दीक्षित या अधीक्षित की तालिका उपयोजना केंद्र में रखी जानी चाहिए ताकि कोई अस्वस्थ होने पर प्रयोजनानुसार उसे उन डॉक्टरों से संपर्क कराने की व्यवस्था दायित्वपूर्ण रूप से की जाए। अंचल के समस्त सज्जन वकीलों की तालिका भी उपयोजना केंद्र में रखी जानी चाहिए ताकि कोर्ट कचहरी के कार्य में या कोई विपदग्रस्त होने पर उन्हें उन वकीलों से संपर्क कराया जा सके। आस पड़ोस के नशा करने वालों का सम्मिलित रूप से नशा मुक्त करने की प्रचेष्टा की जाए। जब कोई छात्र बाहर से पढ़ने आए तो उन्हें सुविधानुसार कोई गुरु भाई यदि अपने घर में आश्रय देकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें तो वह इष्टमुखी परिवेश में रह पाएगा। फलस्वरूप भविष्य में वह ठाकुर की सेवा एवं देश व दस के कल्याण में नियोजित हो पाएंगे। भविष्य में अग्रणी गांव में अधिवेशन केंद्र की स्थापना की जा सके, इसके लिए सभी सजेस्ट रहे। जय गुरु।